Hi, this is Prashant Misar. I am keyboardist, Ableton player and music producer. I am from Nagpur, so music प्रोडक्शन करने के लिए या फिर म्यूज़िक में कुछ आगे करने के लिए प्रोडक्टिव काम करने के लिए मैंने सोच लिया था कि मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है. सो देन आई हैव शिफ्टेड इन बॉम्बे ओनली. सो मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन करने के लिए मुझे बेसिकली एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए था, कॉलेज चाहिए था जहाँ पर मैं अच्छा पढ़ सकूँ, जहाँ पर मैं अपना नॉलेज गेन कर सकूँ. सो मुंबई आने के बाद मुझे काफ़ी सारा सर्च करना पड़ा कि मैं कहाँ अच्छा पढ़ सकता हूँ, कहाँ पे अच्छा म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकता हूँ. फिर मैं मुंबई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट आया, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स लिए, फिर वहाँ पे अच्छा काउंसलिंग हुआ जो निधि मैम ने करवाया था. बेसिकली हमारे 3 महीने तो थेरी क्लासेस शुरू हो गए थे. थेरी क्लासेस उसमें कुछ पियानो देन थेरी. सो आप म्यूज़िक कैसा बनाना है, कंपोजिशन हो गया या फिर कॉर्ड वाइज प्रोग्रेशन, ये सब बातें उसमें आती है, स्टाफ नोटेशंस, ये काफ़ी सारी चीज़ें इतने अच्छे सीखने को मिली यहाँ पे. देन वो 3 मंथ्स हो जाने के बाद हमारा एक प्रमोशन काइंड ऑफ. सो हम थेरी से प्रोडक्शन हाउस में चले गए. सो वहाँ पे सुमंता सर ने काफ़ी अच्छे से हमको लॉजिक प्रो और एबल्टन काफ़ी सारे अच्छे से उन्होंने हमें बताया. वो डा हमें एक्सप्लेन किए कि बेसिकली उनमें क्या होता है, क्या चलता है, प्रोग्रामिंग कैसी करनी चाहिए. सो एक माइक पकड़ने से लेके लॉजिक ओपन करने से बेसिकली फॉली तक, क्या कैसा चलता है, रिकॉर्डिंग कैसे चलती है और क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसका अरेंजमेंट हुआ है. कोई अगर आप सॉन्ग कर रहे हो तो बेसिकली सॉन्ग की स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हो, सो ट्रैक कैसे बनाना है, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन तुम कैसे कर सकते हो, देन उसको साउंड डिजाइनिंग जो मुझे लगता है कि एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब कोई तुम सॉन्ग बनाते हो या कुछ, तो साउंड डिजाइनिंग, तुम्हारी साउंड डिजाइनिंग की चॉइस कैसी है, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तुम कुछ भी सॉन्ग डिज़ाइन करो या फिर अरेंजमेंट करो, तो उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन वाइज या फिर साउंड डिज़ाइनिंग वाइज सुमंता सर ने हमारी काफ़ी मदद की उसमें. सो बेसिकली उसका मुझे उसका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे अभी भी काम में आ रहा है जब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ. सो लाइव में सिंथ, स्ट्रिंग्स, पियानो या फिर लीड पोर्शन, कोई भी जो सेक्शन होता है वो प्ले करने के लिए बेसिकली उसमें साउंड्स चाहिए होते हैं. तो वो साउंड्स तुम कैसे उसको कैसे तैयार कर सकते हो, तो वो उसमें मेनली मुझे वो अच्छे से आइडिया है यार कि नहीं, एक लाइव प्ले करना है ठीक है, लेकिन सिंथ कैसा, सिंथ का साउंड तुम कैसे बनाओगे. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मुंबई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट से मुझे सीखने को मिली. जब MMI का ऐसा है, एक सुपर सैटरडे करके एक प्रोग्राम होता है जो हर 2 महीने बाद शायद, हाँ 2 महीने, अभी वो सुपर सैटरडे फन फ्राइडे हो गया है. तो सुपर सैटरडे में परफॉर्मेंसेस होते थे जितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स रह के जो भी करंट जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म करते थे सारे. तो सबके परफॉर्मेंस वॉज मज़ा आता था उनके परफॉर्मेंस देखने में, उनके साथ परफॉर्म करने में. मैंने भी परफॉर्म किया था, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस का प्राइज भी मिला था मुझे. सो काफ़ी अच्छा था वो एक्सपीरियंस. एक जो बोलते हैं शिद्दत काइंड ऑफ अलग ही मज़ा था. इधर ओपन माइक सेशन भी होता है ताकि जो अपना अपना टैलेंट दिखा सकते तो वो आते हैं अपना सेशन, ये वो अच्छा चलता है. जब मैं नागपुर में परफॉर्म करता था बैंड्स के साथ, कुछ एम्बियंस फ्यूजन बैंड देन जल्लोज बैंड, उनके साथ जब मैं परफॉर्म करता था, कभी कभी एक लगता है खुद में एक कमी सी नज़र आती है कि नहीं, तुमको साउंड वाइज बोलो या फिर किसी चीज़ के लिए तुमको और इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है. जब मैं इंस्टीट्यूट के लिए सर्च करता था बेसिकली ताकि मेरा एक थेरी अच्छा हो जाए, एक जो नॉलेज है वो गेन हो जाए, एक साउंड प्रोडक्शन मैं काफ़ी अपना नॉलेज गेन कर सकता हूँ जब मैं ये सर्चिंग में था. सो बेसिकली काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मुंबई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला. जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ का एनवायरनमेंट, काफ़ी सारे जो स्टाफ है बेसिकली सारे हेल्पफुल, देन कभी किसी को ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सर ऐसा नहीं है,
मतलब डाउट ऑटोमेटिकली सारे क्लियर हो जाते थे. मतलब कुछ अगर तुमको हल्का सा भी डाउट हो सर को तुम, इनफैक्ट सर ने हमको ये बोल दिया था, अर्जित सर हो सुमंता सर हो, भाई तेरे को 2 बजे रात को डाउट आ रहा है तू मुझे कॉल कर. मतलब ऐसा मत सोचना मैं सो रहा हूँ या कुछ नहीं, मेरे को जगा दे बस, जो डाउट है तुम क्लियर करो. कीबोर्ड के अलावा जब मैंने लाइक प्रो म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो हमने सॉफ्टवेयर्स पढ़े लाइक लॉजिक प्रो एक्स एबल्टन, सो उसमें ऐसा सीखने को मिला कि तुम अपना काम खुद कर सकते हो, जो आपके आइडियाज़ है वो खुद रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आपके आइडियाज़ है वो किसी को भी आप पूरे दुनिया में किसी को भी आप जिसके साथ आपको कोलाबरेट करना है आप उससे भेज सकते हो, आप उसके आइडियाज़ ले सकते हो. बेसिकली जब आप काम करना चाहते हो तो आइडियाज़ आपको शेयर करना पड़ता है. सो आपका काम भेजने के बाद अगर आगे वाले बंदे को अगर वो पसंद आता है, हो सकता है बेसिकली कि वो आगे आपको और काम दे. सो एक सॉफ्टवेयर नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. वहाँ से तुम अपनी आइडियाज़ क्लियर कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और अच्छे से लोगों के साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हो. सो और जब लाइक मेरा ये भी कन्फ्यूजन था बेसिकली जब मैं कोर्स कर रहा था कि कोर्स तो मैं चलो ठीक है कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे, काफ़ी सारी बातें थी. लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स हम पढ़ते पढ़ते जो मेरे क्लासमेट्स थे और सर के तरफ से भी काफ़ी एक अच्छी हेल्प मिली. हम क्लासमेट्स लोग ही कुछ अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे, सब अपनी अपनी आइडियाज़ शेयर करते थे, एक अच्छा म्यूज़िक बनाते थे, उसमें सर की काफ़ी हेल्प होती थी. सो बेसिकली आइडिया वहाँ पर इतनी अच्छी क्लियर हो गई कि खुद के गाने हम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए. तो उसके बाद काम मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई उतनी चिंता नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी, उतना जो डर था पहले. तो उसके बाद बेसिकली काम धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया और अभी तो चलो अच्छा है. तो एट द एंड यही कहना है, जस्ट कीप मेकिंग म्यूज़िक, कोलैबोरेट विथ ईच एंड एवरी पर्सन जो आपको लगता है जिससे बात करनी चाहिए, जिससे मिलना चाहिए. और आजकल सब इजीली अवेलेबल होता है, उनके ईमेल आईडीज, फ़ोन नंबर्स एंड ऑल, सो आप उनको बिंदास भेजते जाइए अपना काम. आज नहीं देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, कभी ना कभी तो देखेंगे ही. सो इससे काम से काम बढ़ता जाएगा, काम से काम मिलता जाएगा, बेसिकली आपको काम करने में मज़ा आएगा. सो कीप मेकिंग म्यूज़िक, ऑल द बेस्ट.